प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में भक्तों की बहुत सारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक कथा है राजा अम्बरीश की, जो भगवान विष्णु के परम भक्त व उपासक थे। भागवत पुराण के अनुसार इन्होंने अपनी पत्नी सहित एकादशी के व्रत का संकल्प पूरा किया था, जिससे प्रसन्न भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए ऋषि दुर्वासा पर सुदर्शन चक्र चला दिया था। आखिर क्या कारण था कि श्री हरि ने अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र शिवांश महर्षि दुर्वासा पर चला दिया? तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं महर्षि दुर्वासा कैसे सुदर्शन चक्र के तेज से अपने प्राणों की रक्षा कर पाते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। इक्ष्वाकु वंश के राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश नामक एक धर्मनिष्ठ और प्रजापालक सम्राट थे। वो बड़े ही वीर, बुद्धिमान व तपस्वी राजा थे। वो पृथ्वी लोक के भौतिक सुखों को मिथ्या समझते थे। इसी कारण उनका मन सदैव श्री हरि की भक्ति में लीन रहता और वो सदैव ब्राह्मण दान और दीन दुखियों की सहायता करते रहते। राजा अम्बरीश ने अनेक यज्ञ किए थे, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनकी रक्षा के लिए अपने अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और जब वो ब्राह्मणों को अन्न व धन का भरपूर दान दे रहे थे, तभी वहां ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे। वो परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों से युक्त संत थे, परंतु क्रोधी स्वभाव होने के कारण उनकी सेवा और आदर का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। पता नहीं कब वो किस बात पर कुपित हो जाएं। हे दिव्यश्रेष्ठ, श्री हरि के भक्त अम्बरीश का प्रणाम स्वीकार करें। हे राजन, आपका कल्याण हो। हे प्रभु, आपके चरण रज मात्र से मेरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान और फलदायी हो गया है। हे देवर्षि, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, आप यथा स्थान बैठकर अन्न ग्रहण कर मेरे एकादशी व्रत के संकल्प को पूर्ण करें। आपके अन्न ग्रहण के उपरांत ही मैं अपने इस पुण्य व्रत का पारण करूंगा। हे राजन, अवश्य ही आपके आग्रह को विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, परंतु यमुना स्नान और देव आराधना के उपरांत ही मैं अन्न और जल को ग्रहण करता हूँ। अतः हे राजन, आपको थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हे प्रभु, अभी व्रत पारण में कई घड़ी शेष बची हुई है, अतः आप निश्चिंत होकर यमुना स्नान और देव आराधना करें, हम आपकी आने की प्रतीक्षा करेंगे। इसके उपरांत ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के राजमहल से यमुना तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर स्नान आदि करके देव आराधना करने लगते हैं। परंतु देव आराधना में वो इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें समय का तनिक भी भान नहीं रहता। इधर द्वादशी में केवल कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। स्वयं को धर्म संकट में देखकर राजा अम्बरीश अपने कुल पुरोहित से परामर्श करते हैं। हे दिव्यश्रेष्ठ, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन ग्रहण करके पारण न करना, दोनों ही स्थिति में मनुष्य का व्रत अपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस समय आप मुझे कोई ऐसा अन्य उपाय बताएं, जिससे कि मैं पाप का भागी भी ना बनूं और मेरे व्रत का संकल्प भी ना टूटे। हे राजन, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान है और भोजन के समान नहीं भी है। अतः आप इस समय जल पीकर अपने द्वादशी व्रत का पारण करें। सम्राट अम्बरीश अपने कुल पुरोहित के आदेशानुसार जल पी लेते हैं और ऋषि दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब ऋषि दुर्वासा राजमहल लौटे, तो उन्हें अपने तपोबल से ज्ञात हो गया कि राजा अम्बरीश अपने व्रत का पारण कर चुके हैं। अतः वो क्रोधित हो उठे, क्योंकि उस समय ऋषि दुर्वासा जी अत्यधिक भूखे थे। अहंकारी अम्बरीश,
तूने मेरा तिरस्कार नहीं किया है अपितु तूने स्वयं ईश्वर का भी अपमान किया है। मुझे भोजन का निमंत्रण दिया लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन ग्रहण कर लिया। तू धन और पद के अहंकार में चूर होकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ बैठा है। अब देख मैं तुझे तेरी इस दुष्टता का क्या दंड देता हूँ। हे महर्षि, आपने मुझे किस प्रयोजन से उत्पन्न किया? मानव रक्त पीने की मेरी इच्छा बलवती होती जा रही है। शीघ्र ही मुझे आदेश दे आप। हे कृत्या, इस अहंकारी अम्बरीश ने ब्राह्मण को अपमानित करने का दुस्साहस किया है, अतः तत्काल ही अपनी तलवार से इस अधर्मी का अंत कर दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि चक्र तीव्र गति से उन्हीं की ओर बढ़ रहा है तो वो अत्यंत भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वो आकाश, पाताल, पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वन आदि अनेक स्थानों पर शरण लेने के लिए गए, परंतु सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा करना वहाँ भी नहीं छोड़ा। इन सब के बाद ऋषि दुर्वासा सहायता के लिए ब्रह्मलोक पहुँच जाते हैं। हे परम पिता ब्रह्मा, मेरी श्री हरि के सुदर्शन चक्र से रक्षा करें। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ वहाँ ये मेरा पीछा किए जा रहा है। प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मेरा अंत करने के उपरांत ही शांत होगा। हे भक्त दुर्वासा, भगवान विष्णु द्वारा बनाए नियम और विधान के विपरीत मैं भी नहीं जा सकता। अपितु इस विधान का प्रजापति इंद्र, सूर्य आदि में से कोई भी देवकण भूलकर भी उल्लंघन नहीं कर सकते। हम श्री हरि की आज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के प्राणियों की रक्षा और कल्याण करते हैं, अतः भगवान विष्णु के भक्त के शत्रु की रक्षा करना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। प्रभु, कोई तो होगा जो मुझे इस विपत्ति से निकाल सके। हे पुत्र, महादेव की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की बातों से निराश होकर दुर्वासा ऋषि कैलाशपति भगवान शंकर की शरण में गए और वहां जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। हे तपस्वी, ये सुदर्शन चक्र मन की गति से चलने वाला भगवान विष्णु का एक अमोघ अस्त्र है जो उनके भक्तों की हमेशा रक्षा करता है। इसका तेज सभी के लिए असहनीय है, अतः उचित यही होगा कि आप स्वयं भगवान विष्णु की शरण में जाए। केवल वे ही सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा कर सकते हैं और आपका मंगल हो सकता है। महादेव को भी सुदर्शन चक्र के सामने असहाय पाकर ऋषि दुर्वासा तत्काल वैकुंठ धाम भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करने लगे। हे नारायण, मैं आपका अपराधी हूँ। आपकी शक्ति और माया से अनभिज्ञ होकर मैंने आपके परम भक्त राजा अम्बरीश का अंत करने का दुस्साहस किया। हे दयानिधि, कृपा करके मेरी इस दुष्टता को क्षमा कर सुदर्शन चक्र से मेरे प्राणों की रक्षा शीघ्र कीजिए। हे महाज्ञानी, मैं सर्वदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मुझे अपने प्रेम रूपी प्रेम वश से बांध रखा है। अपने सभी भक्तों का मैं ही एकमात्र सहारा हूँ। इस कारण मैं स्वयं अपने व देवी लक्ष्मी से ज्यादा अपने भक्त गणों से अपार स्नेह व प्रेम करता हूँ। जो भक्त अपने बंधु बांधव और समस्त भौतिक सुखों के मोह को त्याग कर मेरी शरण में आ जाए, उन्हें किसी भी प्रकार से मैं कदापि त्याग नहीं सकता। यदि आप सच में इस विपत्ति से मुक्ति चाहते हैं तो आप मेरे परम भक्त अम्बरीश के पास शीघ्र जाइए।
उसके प्रसन्न होने पर आपकी ये बाधा स्वतः दूर हो जाएगी। हे राजन, आप मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा करें। मैं अपने द्वारा किए गए इस अपराध के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, और ना ही अब मेरे अंदर इतना साहस बचा है जो सुदर्शन चक्र के तेज से तीनों लोकों में भागता फिरूं। परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा जी की ये दुर्दशा देखकर धर्मज्ञ अम्बरीश को अत्यंत दुख व पीड़ा हुई कि उनके कारण एक तपस्वी ब्राह्मण को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र की स्तुति आरंभ कर दी और प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया। हे हरि भक्त सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के एकमात्र रक्षक आप ही हैं। कृपा करके आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। हमारे ऊपर यह आपकी बड़ी ही कृपा होगी, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे कारण मेरे ही राज्य में किसी तपस्वी ब्राह्मण को कष्ट का सामना करना पड़े। अम्बरीश की प्रार्थना से अति प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र ने अपनी दिशा बदल ली और ऋषि दुर्वासा को भय मुक्त कर अभय दान दिया। सुदर्शन चक्र के शांत होते ही दुर्वासा जी का चित्त शांत हो गया। तब वो राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनके भक्ति भाव और दयालुता की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हे राजन, आज स्वयं भगवान के सच्चे भक्त को मानव रूप में देखा, मैं धन्य हो गया। आपकी भक्ति भाव और ये श्रद्धा तुल्य है, अपितु मैंने आपका क्रोध वश अपमान भी किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। हे हरि भक्त अम्बरीश, आपका हृदय समुद्र की भांति करुणा और दया भाव से भरा हुआ है। आपने मेरे प्राणों की रक्षा कर महान अनुकंपा की है। हे प्रभु, क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा। अतः हे प्रभु, मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। अहो राजन, ये आपकी महानता है जो बिना अपराध के आपको अपराध बोध का अनुभव हो रहा है। यही सद्गुण आपको युगो युगो तक धर्म परायण होने की ख्याति प्रदान करेगा, ऐसा यह मेरा आशीर्वाद है पुत्र। मित्रों, जब से दुर्वासा ऋषि चक्र से अपने प्राणों की रक्षा के लिए तीनों लोकों में भागे फिर रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन का एक अन्न भी ग्रहण नहीं किया था। वो दुर्वासा ऋषि जी के आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें प्रसन्न करके प्रेम पूर्वक भोजन कराया। धर्मज्ञ राजा अम्बरीश के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अनेकानेक आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुए। मित्रों, अहंकार व क्रोध आम जनमानस की बहुत बड़ी समस्या है, अतः हमें अपने ऊपर इस दुर्गुण को कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा जीवन को ये नरक बना देती है और इसके परिणाम बड़े ही कष्टकारी सिद्ध होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।